काफ़ी सारी वैरायटीज है जैकेट में 500 रुपये में। यहाँ पे भी देखिए कैसा एक्सपीरियंस था, अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा। अंदर क्या क्या देखा आपने? सब कुछ वो भी देखा। मन प्रसन्न हुआ नहीं हुआ? मन से। तो योगेश ब्लॉग्स पे आएगा तो योगेश ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई ने 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए भाई, देखो घूम घूम के लोगों से बात करके, मतलब काफी बेहतरीन है भाई, देखो मजा आया। क्यों नहीं आया भाई? डराओ। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दिल कहे जाने वाले सीपी में, जिसे कनॉट प्लेस या कनॉट प्लेस के नाम से आप लोग जानते हैं। और काफ़ी दिन से कई सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई नए साल पे हमें घूमने के लिए कहीं जाना है, तो कोई ऐसी जगह सजेस्ट करो जहाँ पर हम इन्जॉय कर सकें। दोस्तों आप इन्जॉय भी कर सकेंगे, शॉपिंग भी कर सकेंगे और टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे और रील्स वगैरह आप यहाँ पे बना सकेंगे। भाई क्या नाम है आपका? क्यों नहीं भाई, जरूर लेंगे यार। क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम है शाकिर। तो कैसा लग रहा है इस पार्क में यार? भाई इस पार्क में थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा आज हरियाली कम लग रही है, धुंधला धुंधला लग रहा है। हरियाली वो कम लग रही है कि ये वाली हरियाली कम लग रही है? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, कौन सी लग रही है? अरे वो भाई लोग समझ जाएगा। अरे भाई वो तो समझ ना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग, पूरा सीपी दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम्हारे भाई की आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करें भाई। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है भाई ने सब्सक्राइब भी कर दे चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसी पे आएगा मेरे साथ देखने। सेंट्रल पार्क का व्यू देखिए, कितना शानदार जानदार आकर्षक ये पार्क है। चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, कपल्स खासकर। और नए साल के दिन ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस होने वाला है। और दोस्तों सीपी आओगे तो सीपी में आपको एक से एक प्रकार के बंदे मिलेंगे, हर एक टाइप के बंदे आपको देखने को मिलेंगे यार। फोटोग्राफी रील्स बनाते देखेंगे, प्रैंक करते मिलेंगे और काफी मजा आ रहा है भाई। देखो मेरे साथ ही प्रैंक हो गया यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया प्रैंक करने में भाई के साथ, और काफ़ी हंसी भी आई फिर बाद में कि भाई प्रैंक कर रहा है मेरे ऊपर। और यदि आप नए साल पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आसपास में 3-4 मोन्यूमेंट्स भी है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। जंतर मंतर ही पास में, अग्रसेन की बावली भी पास में है, और ये सीपी है, सीपी के अंदर एक म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स नाम का एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बढ़िया है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, शानदार जानदार, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, देखो कुछ भी कहो। और यहाँ पर देख रहे हो पार्क की कितनी शानदार ये रंगत है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इन्जॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना शानदार जानदार आकर्षक नज़ारा है, बस थोड़ी एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है यहाँ पे कि फाउंटेन की थोड़ी कमी है। फाउंटेन शाम के समय चलते हैं तो कोई बात नहीं, शाम तक का इंतजार नहीं। और यहाँ पे एक भैया मिले, इनसे बात करते, भैया कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा माहौल है। अच्छा अच्छा माहौल है, मौसम भी बहुत खुशनुमा है, बेहतरीन लग रहा है। यदि किसी को यहाँ पर आना नए साल मनाने के लिए बेहतरीन ना? हाँ मैं तो कहूँगा आना चाहिए उनको। अच्छा एंजॉय करना चाहिए, यहाँ पे सराउंडिंग्स भी काफी सजाए हुए हैं, यहाँ पे देखो। हाँ वो तो है, रौनक है, रौनक है, ये तो है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपका नाम क्या भैया? संजीत। संजीत भैया का नाम है, कहाँ के रहने वाले भैया? बिहार। बिहार। योगेश ब्लॉग्स पे आएगा उस पर जरूर देखिएगा। तो लगभग पूरा पार्क एक्सप्लोर कर लिया, काफी मजा आया, काफी सारे लोगों से बात करी, काफी अच्छा लगता है लोगों से बात करके, रिव्यू लेके कैसा लग रहा आप सबको? तब मैं आपको ले चलता हूँ बाहर की ओर, और बाहर से आपको दिखाते हैं पूरा सीपी का नज़ारा कनॉट प्लेस का। तो चलते हैं, आओ देख रहे हैं, जैसे जैसे इवनिंग होते जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे महफिल सजती जा रही है, तो आओ चलते हैं बाहर की ओर। और दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ सेंट्रल पार्क के सामने की ओर, देख रहे हैं ये हवेली टाइप की बनी हुई है, इसी की रौनक की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं विजिट करते हैं। सामने की ओर देख रहे हैं ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है, गेट नंबर 1 के सामने, और गेट नंबर 7 के सामने आपको पार्किंग मिल जाएगी यदि आप अपने व्हीकल के साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप सीपी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको 2-4 चीज़ें बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यहाँ तक आने का जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो राजीव चौक का रहेगा, यदि आप आना चाहते हैं तो आपको ब्लू लाइन से आना पड़ेगा।
जैसे आप राजी चौक मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर आएंगे तो आपको सीपी देखने को मिल जाएगा, कनॉट प्लेस देखने को मिल जाएगा। मंडे को सेंट्रल पार्क ऑफ रहता है भाई, पहली बात ये है, तो आप मंडे को अवॉइड कर सकते हैं। और टाइमिंग जो रहती है भाई देखो सीपी घूमने की, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप कभी भी घूम सकते हैं, और विंटर और समर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, आप समझ लीजिए। और लोकेशन की मैं बात करूँ तो आपको इंदिरा गांधी चौक पर आना है, काफ़ी सारी बसेज आते हैं यहाँ पे, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, ठीक है। और भाई आओ भाई, यहाँ पर सीपी में घूमने के लिए आपको कैसा लगा पहले बताओ भाई, कैसा लगा सीपी में घूमने के लिए आए? बहुत अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस था, अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा। अंदर क्या क्या देखा आपने? सब कुछ वो भी देखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मन प्रसन्न हुआ नहीं हुआ? मन समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। योगेश ब्लॉग्स पे आएगा तो योगेश ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, मेरी नीवी बाद में चलाना भाई। देखो भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई, नाम क्या पहले अपना नाम बताओ। रवि सिंह भाई का नाम है, योगेश ब्लॉग यूट्यूब खोलो, यानी सब्सक्राइब करते हैं भाई। आज तुम्हारे भाई ने 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए भाई, देखो घूम घूम के लोगों से बात करके भाई। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो 11-12 बजे देखना सुबह या शाम के टाइम देखना, ठीक है भाई। आपका नाम क्या है? अमन सिंह। अमन सिंह भाई का नाम है भाई, कैसा लगा आपको पार्क में? बढ़िया है, नए साल पे घूमने के लिए जो आ रहा है उसके लिए बेहतरीन है, उसके लिए बेहतरीन है, लेकिन यहाँ सब बढ़िया है। सब बढ़िया है भाई। तो अंदर क्या क्या देखा आपने? अंदर तो नहीं देखा, इन्होंने देखा जो देखा पहले ये समझ नहीं देखा। चलो भाई समझ गए ना आप लोग, तो लाइक करो फॉलो करो। सारे के सारे यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर्स हैं, हर एक व्यक्ति से अपना अपना मत ले रहे हैं कि भाई किसकी सरकार बढ़िया, किसकी सरकार बढ़िया नहीं है, क्या कारण है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी भाई देख रहे हो, यहाँ पर भी यही सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे भी यही सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे भी यही सिस्टम चल रहा है, चारों तरफ यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर, अलग अलग न्यूज रिपोर्टर आए हुए हैं और अपना अपना एक मत रख रहे हैं। यहाँ पे देखे यहाँ पे क्या चल रहा है, दिखाता हूँ आपको। पालिका बाजार दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पूरा सीपी घुमा दिया, अब पालिका बाजार के अंदर ले चलता हूँ देखते हैं। दोस्तों फिलहाल गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं अपन पालिका बाजार के। दोस्तों मैं पालिका बाजार के अंदर आ चुका हूँ नीचे की ओर, और देख रहे हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं भाई। देखो मैं स्टॉल्स पे नहीं जाऊँगा तो आप देखिए। पालिका बाजार के बाहर विंटर्स के लोजेस आपको मिल जाएंगे, सेल चल रही है 500 रुपये में, कोई सी भी आप जैकेट यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ है जैकेट में 500 रुपये में, यहाँ पे भी देखिए। सीपी में आ रहे तो यहाँ पे चरखा संग्रहालय बहुत शानदार है, यहाँ पे चरखा संग्रहालय भी है, मात्र 20 रुपये टिकट प्राइस रहने वाली है, और आप जाके वहाँ से पूरा चरखा संग्रहालय देख सकते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चरखा संग्रहालय के बारे में कुछ लिखा हुआ है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक ऊपर रहता है, 20 रुपये टिकट रहने वाली है, और सभी दिन मतलब खुला रहता है, तो आप आइए इस पर एक्सप्लोर करिए। तो फिलहाल मैं नहीं जा रहा इसके अंदर भाई, देखो मैंने घूम लिया पूरा सीपी, एंड में मुझे मिला चरखा संग्रहालय, तो आप यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा, काफ़ी शानदार है जानवर। दोस्तों फाइनली मैंने पूरा सीपी एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी मज़ा आया। यदि आप नए साल पे आने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतरीन जगह आपको पूरी दिल्ली में नहीं मिलने वाली है, काफ़ी बेहतरीन था, हर एक चीज़ की फैसिलिटी इंक्लूड है, कैफ़े भी है, घूमने के लिए भी अच्छी जगह है, सेंट्रल पार्क भी है, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, बड़े तरीके से रील भी बना सकते हैं, तो मतलब बेहतरीन है भाई। देखो मज़ा आया, क्यों नहीं आया भाई? अरे यार पालिका बाज़ार नहीं मिल रहा था यार, मतलब नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगा भाई। नाम क्या आपका? कहाँ से, कहाँ के रहने वाले भाई? बिहार से। बिहार से यहाँ पे पहली बार आए हो? यार कैमरे के सामने आते सबकी बोलती की बंद होती, थोड़ी तेज बोलो ना। बोलती बंद नहीं होती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बोलो ना यार, तो जाने दो, क्या हो गया यार, गुस्सा क्यों हो रहा है तू? फिर
भाई यार बोलना, लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।